झारखंड में शराब की होम डिलीवरी पर बीजेपी ने झारखंड सरकार पर निशाना साधा है। झारखंड सरकार के इस निर्णय पर सूबे के मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने हेमंत सरकार को घेरा है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने हेमंत सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि झारखंड सरकार कोरोना के इस दौर में लोगों को दवा के स्थान पर दारू पिलाने को आमदा है। कोरोना के मुश्किल हालात के बीच जहां लोग स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर कराने को लेकर चिंतित है, तो वहीं राज्य में हेमंत सरकार शराब की होम डिलीवरी करने में व्यस्त है। घर घर शराब, ये हेमंत सोरेन जी का एक नया कमाल। ये सरकार कोरोना के खाल खंड में दवाई घर घर तक नहीं पहुंचा पाई, वैक्सीनेशन घर घर तक दस्तक देने का काम नहीं किया गया। नितांत आवश्यक लोगों के लिए अनाज जो प्रधानमंत्री जी ने भेजा था, नरेंद्र मोदी जी ने भेजा था, उसको घर घर तक पहुंचाने का संकल्प इनके पास नहीं था। घर घर तक बिजली भी पहुंचाने का संकल्प इनके पास नहीं है, इनके पास मादा नहीं है। और जो बिजली पिछली सरकार में मिलता था उससे लोगों को आधी बिजली मिल रही है, लेकिन घर घर शराब, हर घर में शराब, दस्तक दे के शराब पहुंचाने का संकल्प, वाह रे सरकार, कैसी सरकार। मदहोश झारखंड की 3.5 करोड़ जनता को मदहोश करने के लिए एक नया संकल्प। झारखंड की जनता जानती है इस सरकार की नीयत को, जानती है लोगों को शराब पिला करके मदहोश करने की नीति और लोगों के हाथों से कलम छीनने का काम, शिक्षा को अशिक्षित करने का काम और साथ में रोजगार को हाथ से छीनने का काम इस सरकार लगातार कर रही है। शराब नीति नहीं, ये शराब नीति के माध्यम से कुछ अलग चीजें चलने वाली है झारखंड में। बहुत दुर्भाग्य, सच में बहुत ही दुर्भाग्य सरकार। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।